दोस्तों आज हम बात करते हैं एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया अभी आप न्यूज में है जो देख रहे होंगे कि एयर इंडिया का फिर से आपका टाटा सन्स है जो आपका खरीद ली है आपका 18,000 करोड़, और या आप डॉलर में देखें तो 2.6 बिलियन डॉलर। लेकिन मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया है कि फिर से टाटा सन्स ने खरीद ली है। तो एयर इंडिया का क्या था कि एयर इंडिया का जब स्टार्टिंग हुआ था तो एयर इंडिया आपका JID टाटा ने स्टार्ट किया था 1932 में। एयर इंडिया पहले आपका टाटा एयरलाइंस के नाम से है जो जाना जाता था, लेकिन क्या हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद आपका 1946 में एयर इंडिया को आपका, और इंडिपेंडेंस एक साल पहले अगर 1946 में देखें तो एयर इंडिया को पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया था, और एयर इंडिया आपका जो टाटा एयरलाइंस थे उनका नेम है जो चेंज होकर एयर इंडिया हो गया था। तो दोस्तों हम लोग पहले ये देखते हैं कि एयर इंडिया के जब शुरुआत हुआ था 1932 में JID टाटा ने किया था, और अप्रैल 1932 में क्या हुआ था कि टाटा एयरलाइंस है ना, टाटा सन्स है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो जीता था, तो उस केस में क्या हुआ कि आपका इम्पीरियल एयरवेज और टाटा सन्स आपका मर्ज हो गए थे, और आपका ये एयर मेल है जो आपका पहुंचाने का वो काम करते थे। अक्टूबर 1932 में JID टाटा है जो खुद है जो आपका एयर मेल है जो वो डिलीवर कर रहे थे आपका कराची से है जो बॉम्बे, पहला आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है जो बॉम्बे तो त्रिवेंद्रम आपका 1932 में स्टार्ट हुआ। 6 सीटर उसमें थे, ओनली 6 पीपल बैठ सकते थे। फिर क्या हुआ कि आपका 1960 में पहला इंटरनेशनल फ्लाइट आपका इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टार्ट किया गया, यहाँ तक कि आपका टाटा एयरलाइंस जो थे वो आपका ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत भी आपका ट्रूप्स मूवमेंट में, सप्लाईज में, और आपका सोल्जर को आपका वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में हेल्प करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका 29 जुलाई 1946 का रेगुलर कमर्शियल सर्विस एक्ट को रिस्टोर किया गया, उसके तहत है जो टाटा एयरलाइंस को आपको पब्लिक लिस्टेड कंपनी घोषित कर दिया गया था। उस बीच में आपका टाटा एयरलाइंस थे उनको रिनेम करके आपका एयर इंडिया कर दिया गया। फिर जो 1946 में है जो गवर्नमेंट है जो मेजोरिटी स्टेक्स है जो टाटा एयरलाइंस में 49% स्टेक्स आपका खरीद ली थी, और आपका वो ऑपरेट कर रही थी। उस बाद 1953 में क्या हुआ, मेजोरिटी ऑफ द स्टेक्स जो हुआ टाटा एयरलाइंस का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो परचेज कर ली थी। तो उस टाइम में जो आपका एयर इंडिया जो नाम था एयर इंडिया से एयर इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। उसके बाद 1960 में है जो पहला आपका इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स का पहला फ्लाइट स्टार्ट किया गया, और 21 फरवरी 1960 को एयर इंडिया है जो पहला बोइंग आपका 707-420 को आपका इंडक्ट किया था। उसके तहत आपका हुआ कि पहला टाटा जो टाटा एयरलाइंस थे जो बाद में एयर इंडिया हो गया वो पहला एयरलाइन इंडस्ट्री बनी जो आपका जेट एज में एंटर की पूरे एशियन कंट्री में। और 1960 में पहला आपका आपका इंडिया से न्यूयॉर्क का पहला फ्लाइट का उद्घाटन हुआ। अगर हम लोग 2000 के बाद बात करते हैं तो एयर इंडिया का है जो सर्विस है जो आपका शंघाई चाइना और अदर आपका फॉरेन कंट्री से स्टार्ट हो गया, फॉरेन कंट्री में स्टार्ट हो गया, जैसे आपका साउथ अफ्रीका हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया, ये रसिया। बट क्या हुआ 2001 से जो हुआ आपका स्लोली स्लोली एयर इंडिया का जो लॉस होते गया। अब हम लोग ये समझना होगा कि वो लॉस क्यों हो रहे थे, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं 2001 से लेके तो एयर इंडिया का उस टाइम जो प्राइस भी करते हैं बहुत सारे एक्सपेंसिव थे, और काफ़ी सारे फॉरेन ये आपका एयरलाइन इंडस्ट्री थी जो आपके कम पैसे में है जो सेम ट्रेवल आपको करवा रही थी। तो एज ए इंडियन माइंडसेट हम लोग यही होता है कि जहाँ पर कम पैसे रहते हैं हम लोग वही चीज़ को प्रेफर करते हैं। फिर 2007 में क्या हुआ कि एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस को जो मर्ज कर दिया गया अंडर द नेम ऑफ द एयर इंडिया लिमिटेड। फिर लेकिन क्या हुआ कि जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि दो एयरलाइन इंडस्ट्री का अगर हम लोग मर्ज करते हैं, दोनों अगर एक हो जाते हैं तो आपका लॉस है जो कम हो जाएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं, ताकि दोनों का जो सर्विस होते हैं वो सर्विस है जो कंबाइन किया जाए, दोनों का आपका एम्प्लॉय हो, ज़्यादा आपका अंडर में एयरक्राफ्ट हो तो हम लोग है जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
बट पहली बार ऐसा हुआ कि आपका एयर दो एयरलाइन इंडस्ट्री, आपका एयर इंडिया और आपका इंडियन एयरलाइंस जब मर्ज की गई, तो दोनों का कंबाइंड लॉस जो है आपका 2006 या 2007 का बात करते हैं तो 100 मिलियन डॉलर था। हाँ, लेकिन मर्जर जब उन दोनों का एक कंपनी में दोनों एक कंपनी के अंतर्गत आ गए एयर इंडिया लिमिटेड, तो उन लोगों का मर्जर के बाद जो लॉस था आपका 960 मिलियन था। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एयर इंडिया जो इतनी बड़ी एयरलाइन कंपनी थी इंडिया का, दोनों का जब मर्ज हुआ फिर भी कंबाइन लॉस है जो आपका बहुत ज़्यादा है, जो मर्जर के बाद भी है जो आपका 960 मिलियन डॉलर का हो गया। फिर 2015 में क्या हुआ, एयरलाइन है जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्रीमेंट बनाए SBI और आपका जो एयर बैंक के साथ, तो क्योंकि उनको है जो मनी रेज करना था क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस थे और उनके जो ऑपरेशनल कॉस्ट है जो एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे थे, तो अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को वो अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो है जो SBI से और आपका जो एयर बैंक से 300 मिलियन डॉलर का वो देखा जाए तो वो पैसे रेज किए थे। तो हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि एयर इंडिया का एवरी ईयर आप देखते हैं, एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो उनका लॉस है जो धीरे धीरे इंक्रीजिंग हो रहा था, डिक्रीज नहीं हो रहा था। फिर आपका सितंबर 2021 में फाइनली क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस तरह से वो एयर इंडिया की वजह से उनको लॉस हो रहा था, तो फाइनली उनको है जो एक टेंडर वो है जो फ्रेश टेंडर इशू किए जिसमें आपका स्पाइस जेट और टाटा सन्स ने है जो उसमें पार्टिसिपेट किया था, और सबसे ज़्यादा जो है आपका बिड है जो आपका टाटा सन्स की तरफ से किया गया था 18,000 करोड़, अगर डॉलर में भी बात करें तो 2.6 बिलियन डॉलर। 8 अक्टूबर 2021 को आपका 2021 को है जो टाटा सन्स ने आपका एक्वायर कर लिया आपका एयर इंडिया। लेकिन अगर कंबाइन लॉस अभी भी हम लोग देखते हैं एयर इंडिया का, तो आपका 77,953 करोड़ है। अगर हम लोग 2021 का फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं, जबकि अगर हम लोग 2020 फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं तो कंबाइन लॉस सिस्टम था आपका 70,820 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि इस ईयर है जो आपका 7 करोड़, ये आपका 7 करोड़ से ज़्यादा का लॉस है। अगर एयर इंडिया का मार्केट शेयर का भी हम बात करते हैं तो इंडिया में आपका 11% है और इंडिगो का आपका सबसे ज़्यादा 48% और आपका सेकंड नंबर पे स्पाइस जेट है। और सबसे बड़ी बात अगर हम लोग ये देखें कि एयर इंडिया इतनी लॉस में क्यों चल रही है, क्योंकि एयर इंडिया में अभी भी आपके जितने सारे जो ऑफर्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनी लाइक आपका इंडिगो हुआ, स्पाइस जेट हुआ, जितने ज़्यादा उनके ऑफर और डिस्काउंट निकलते हैं एयर इंडिया में बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। और अभी के टाइम में क्या होते हैं, कोई भी फेस्टिवल सीजन होते हैं प्राइवेट एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कस्टमर है जो आपका फ्लाई करे उनके प्लेन से। बट एयर इंडिया में अगर हम लोग डिस्काउंट की बात करें तो उस तरह से नहीं, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और एयर इंडिया का जो सर्विस है जो सारे जगह भी अवेलेबल नहीं है। बट और जो प्राइवेट एयरलाइन इंडस्ट्री है उनका एवरी एयरपोर्ट पे सर्विस अवेलेबल है और मोस्ट ऑफ द कंट्री वो जाते हैं, बट एयर इंडिया का लिमिटेड है, उनका जो सर्विस है जो लिमिटेड कंट्री तक है।